वेलकम टू माय चैनल। और आज बहुत दिनों के गैप के बाद मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आंवले की खट्टी मीठी चटनी। और उसके लिए मैंने अच्छे से बड़े साफ सुथरे आंवले ले लिए हैं जिन्हें मैंने धो लिया है। और आंवले हैं कितने कितने आंवलों की चटनी मैं बना रही हूँ, तो यह 400 ग्राम आंवले। और अब सबसे पहले आंवलों को पकाना है। आप चाहें तो पैन में पका सकते हैं, मैं इन्हें कुकर में पका रही हूँ। तो मैंने सारे 400 ग्राम आंवले डाल दिए हैं कुकर में, साथ में डालूंगी थोड़ा पानी ताकि ये जल ना जाएं। और पानी मैंने लिया है 200 ml, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, बहुत कम भी नहीं लिया है। और 200 ml पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब कुकर का ढक्कन करना है बंद और उसके बाद कम से कम 4 से 5 सीटियां तक इन्हें पकाना है। आप चाहें तो पैन में खुले में पका सकते हो, 20 मिनट तो पकाना ही पड़ेगा क्योंकि आंवले बहुत हार्ड रहते हैं, सॉफ्ट होने के लिए 20 मिनट तो लगेंगे। तो लीजिए, सीटियां आ चुकी है, 4 से 5 आंवले पक चुके हैं और अब इन्हें पीसेस में कट कर लेना है। चाकू की जरूरत ही नहीं पड़ती, हाथों से ही हो जाते, इतने सॉफ्ट रहते हैं। और इनकी गुटलियों को फेंक देना है और फिर इन्हें तड़का लगाना है। लगाना किस में है, आप इसमें सरसों के तेल में लगा सकते हो, मैं इसमें मूंगफली के तेल में लगा रही हूँ। मैंने डाल दिया हींग और फिर डाली है सौंफ, क्योंकि मीठी चटनी है तो सौंफ डालनी पड़ेगी। फिर डाला है साबुत जीरा, आप चाहें तो भुना जीरा भी डाल सकते हो। फिर डाली है कलौंजी, टेबल स्पून, और फिर इसमें डाल देंगे हम कटे हुए आंवले जो हमने 4 सीटियां लगाकर पकाए हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े किए, उन्हें इसमें डाल देना है। और ध्यान रखना है कि जो गैस की फ्लेम है उसे बिल्कुल स्लो रखना है ताकि ये जल ना जाए। और फिर डालेंगे हम लाल मिर्च 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और फिर डालेंगे सॉल्ट, जो सादा प्लेन सॉल्ट रहता है वो 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच हम डालेंगे ब्लैक सॉल्ट। तो लीजिए, ब्लैक सॉल्ट भी मैंने ऐड कर लिया है 1/2 चम्मच। अब इसमें करना है अच्छे से मिक्स, नमक मिर्च हल्दी हर चीज़ जा चुकी है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से पकाएंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तो पकाना ही पड़ेगा ताकि जितने भी मसाले हैं वो सारे के सारे आंवले में अच्छे से मिक्स हो जाएं। लेकिन आज बनेगी खट्टी मीठी चटनी, तो मिठास के लिए मैंने लिया है गुड़, और गुड़ लिया है मैंने 300 ग्राम। तो सबसे पहले कोशिश की थी मैंने गुड़ को कि जो अदरक घिसने वाला होता है ना उससे इसे घिस दूँ, कद्दूकस कर दूँ, लेकिन ये बहुत हार्ड है और ख़ासकर विंटर में तो गुड़ वैसे भी हार्ड रहता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, तो इसके टुकड़े भी हो जाते हैं। उसके बाद मैंने इसे जो इलायची कूटने वाला होता है ना उसमें अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। आप चाहें तो पहले से ही गुड़ को कद्दूकस कर ले या टुकड़े करके रख लें, मैंने पहले नहीं किया था तो इसीलिए गैस की फ्लेम को धीमा कर रखा और साथ ही साथ गुड़ के टुकड़े भी करती रही। तो इस तरीके से मैंने 300 ग्राम गुड़ आंवलों में डाल दिया है। और आंवले वैसे तो 400 ग्राम थे लेकिन जब गुटलियां निकली ना तो कम से कम 350 ग्राम रह गए थे। और जब इसमें गुड़ जाता है ना उसके बाद जो इसका कलर आता है, टेस्ट के तो भला कहने ही क्या, आप देख लीजिए कलर, और इतना प्यारा कलर आया है। और इस वक्त क्या करना है कि जैसे जैसे हम आंवलों को चलाएंगे ना तो जो आंवले के टुकड़े हैं उन्हें ज़रा ज़रा से प्रेस करते जाएं। सभी आंवलों को प्रेस नहीं करना है, ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 50% आंवले के जो टुकड़े हैं उन्हें स्पून के नीचे लाकर प्रेस करते जाएं, ताकि जो गुड़ की ग्रेवी है ना, गुड़ और आंवले की जो ग्रेवी बने वो बहुत अच्छी बनेगी। बस यही करते रहना, जैसे जैसे आप चलाते जाएं चटनी को, जितने भी आंवले स्पून के नीचे आते जाएं उसे प्रेस करते जाएं ताकि जो इसकी ग्रेवी वो थिक बने, और ग्रेवी थिक तो बनेगी साथ में वो गुड़ में लिपटी हुई होगी। इस तरीके से आपकी जो आंवले की खट्टी मीठी चटनी है ना बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खटास रखनी है तो गुड़ को थोड़ा कम डालें, मैंने 300 ग्राम डाला है, आप चाहें तो 200 ग्राम भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से तैयार हुई हमारी आंवले की खट्टी मीठी चटनी। और यही था आज का वीडियो, आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।